हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में हम बनाने वाले हैं, आज हम कुछ बनाने नहीं वाले, आज हम करने वाले हैं पूरे एक चंक को नेदर में ट्रांसफॉर्म। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का हमारा काम। सो लेट्स गो। सो सबसे पहले तो मुझे जगह देखनी है, और जगह मैंने डिसाइड की है हमारे कासर के जस्ट सामने वाली, मतलब की ये वाली जगह। और इसका एक चंक कितना है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। कि ये वाला चंक कितना है एंड मुझे जाना है इस वाले चंक में। तो यहाँ पर मैं पूरा खोदने वाला हूँ नीचे तक, मतलब बेड रॉक तक। हम एक ब्लॉक यहाँ लगाते हैं और एक इस चंक के आखिरी में। हमने इस चंक के चारों कोने पे एक एक प्लैंक रख दिया है, एंड अब पता चल रहा है कि मुझे कहाँ से मशीन लगाना स्टार्ट करनी है। यप, अब मुझे ढेर सारे लेके आना पड़ेंगे ड्रिल मशीन, और फटाफट से देखते हैं, मुझे बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि इतने सारे ड्रिल मशीन मेरे पास है नहीं। लेकिन हमें मैकेनिकल ड्रिल मिल गए 39 पूरे। सुपर ग्लू मुझे चाहिए, डार्क ऑक्साइन तो नहीं लग रहा मुझे अभी, लेट्स को यहाँ रख देते हैं। और वैसे मैकेनिकल ड्रिल के लिए चाहिए हमें ढेर सारा आयरन, एंड आयरन तो मेरे पास थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले चल के हमारी जो ड्रिल है ऑलरेडी मेरे पास 39 है, और हम यहाँ से थोड़ी बहुत ले लेते हैं, और मैं पूरा सामान रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से क्योंकि जरूरत तो मुझे वहाँ पड़ने वाली है अब। तो चलते हैं हमारी मेन जगह पर जहाँ पर मुझे एक बड़ा सा छेद करना है। यहाँ पर ज़ॉम्बीज बहुत है, आवाज़ आ रही है उनकी, लेट्स गो। और भी मुझे ड्रिल ला के लगानी है, अब मैं तोड़ देता हूँ वैसे। और एक मुझे इधर लगाना था इस तरफ। सिर्फ भैया 3 रो में लगाया है अभी मैंने, और ये पूरा बाकी एरिया है। मेरे पास 17 ड्रिल और हो चुकी है। फटाफट चलते हैं वहाँ पर और लगा कर आते हैं सारी चीज़ें, और मेरी जो मशीन है चालू करके आता हूँ मैं। बट एक सेकेंड। ये अब मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, ये पूरी 4 की रो में बना है। कम से कम मुझे 4-5 बार तो लगाना पड़ेगा ये पूरा मशीन का सेटअप। लेट्स गो, फटाफट से रखना, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे मशीन लगानी है, एंड एक काम करते हैं, रोप पुल कहाँ गया मेरा? अच्छा, मैंने बैग में रख दिया सारा सामान। आई थिंक मुझे यहाँ पे 2 रोप पुल लगाने पड़ेंगे, और एक मैंने शायद अपने कासल में रख दिया था। तो फिर मैं चला गया था नेदर के अंदर कुछ नेदर रैक एंड या नेदर के स्टोन ब्रिक्स वगैरह को इकट्ठा करने, क्योंकि मुझे बहुत सारे चाहिए वो लगाने के लिए, क्योंकि पूरा एक चंक मैंने खोदा है। तो या फिर मैं निकल गया उसको बनाने के लिए, एंड यहाँ पे मुझे बहुत सारे जोगलिन होगलिन पता नहीं किन किन का सामना भी करना पड़ा था। और वैसे एक दो बार मैं मरते मरते ही बचा, बट या जिंदा बच के मैं सारा सामान इकट्ठा करके ले आया, ज्यादा नहीं, एक चेस्ट ही हुआ वो। एंड उसके बाद मुझे लगा कि और मुझे सामान की जरूरत है, बट हम वो बाद में खोदेंगे। पहले हम ये वाला काम कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब बारी है यहाँ पर हमें इस मशीन को चलाने की। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने इस पूरी चेस्ट में भर दी है नेदर रैक, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है हमें। ये पूरा गड्ढा नीचे जाएगा, तो उसके बाद हम इसके ऊपर नेदर रैक ही भरने वाले हैं। तो जब मैंने इतना सारा सामान निकाला था वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। मुझे रोप पुले चाहिए, चेस्ट चाहिए, एंड यहाँ से रोटेशन स्पीड कंट्रोलर गियर बॉक्सेस वगैरह शाफ्ट भी लगेगी। आई थिंक इतना काफी है, बट यार बनाऊ किस तरफ? तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लगाना है लार्ज वाले वाटर व्हील, बाकी स्मॉल लगा देते हैं। कई बढ़िया बन गया ये, हमारे सारी वाटर व्हील घूमना स्टार्ट कर दी है, एंड यहाँ पे 512 सब चल भी रहे बढ़िया अपना। मुझे यहाँ पे लगाना है रोटेशन स्पीड कंट्रोलर, भैया तो उसने वही उठा लिया ब्लॉक। वैसे अब जरूरत है इसको, मुझे काम करता हूँ ऊपर रख देता हूँ, वैसे मैं पहले बंद कर देता हूँ इसे। एंड अब यहाँ पे ग्लू लगाने की जरूरत है, ग्लू कहाँ गया? ग्लू भी लेकर आया था, ठीक है मिल गया। ओके, तो पूरा चिपक भी चुका है, अब मुझे व्हील घुमाना है यहाँ से, इसको मैं कर देता हूँ फुल स्पीड पर। एंड यहाँ पे लगा देना एक राफ, बढ़िया। काम शुरू हो गया है दोस्तों, बढ़िया। यहाँ पर भी मैंने एक रोप पुले लगा दिया है, बस ये काम हो जाए इसका पूरा। वैसे मैं पूरा सेटअप कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये रही शाफ, मुझे एक और गियर बॉक्स लगेगा बस अभी, पहले पूरा बन जाए उसके बाद हम करेंगे जो करना है। आई थिंक ये पूरा काम इसका हो चुका है, फटाफट हम चलते हैं नीचे और मैं लेकर आता हूँ। यप, लेट्स गो, बस जाके उसमें अटैच हो जाए। बट यार तो सेम ब्लॉक पर है ही नहीं, अरे यार तो प्रॉब्लम कर दी। काम करते हैं हम चलते हैं इससे पहले। ओके, ये भी मैंने जोड़ दिया है और उससे टाइम पे आके जुड़ा ही है इससे। फटाफट चलते हैं ऊपर, अब मुझे रस्सी के सहारे चढ़ना पड़ेगा। तो मैं इसको चला के देख लेता हूँ उल्टा, काश आ जाइए बस ऊपर। ओके, नहीं मन की बात हो गई है तो मेरी, हमारी मशीन ऊपर आ रही है, और फिर देखता हूँ मैं कितना सामान इकट्ठा किया है इसने। सर चेस्ट तो मैंने ज़्यादा लगाई थी, और 2-4 ही भरी होंगी, वैसे ज़्यादा भरी नहीं होगी। जब हमारी सारी चेस्ट भी ऊपर आ चुकी है, और मुझे ले जाना है, मतलब सारी चेस्ट खोल के देखनी है। 7 डायमंड भाई, ये वाली भरी है पूरी, ये वाली भी भरी है। तो सारी चेस्ट मैंने खाली कर ली है, अब बारी है जितना सामान मैंने यहाँ रखा था वो निकाल लेता हूँ वापस, और ये अब काम पे लगते हैं अपने। मैंने यहाँ से सारा कबाड़ा हटा के साफ कर दिया जगह, एंड मैंने एक और चीज़ बना दी है लिफ्ट।
और यहाँ पे हम अपने ब्लॉक्स रखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है एंड या मेरे पास बहुत सारे नेदर रैक तो नहीं है, बस इसे एक चेस्ट में भरे हुए हैं। चलते बिना किसी देरी के लेट्स गो। बट अब इतना बन गया तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से यार सारे ब्लॉक बटा देता हूँ। एंड 64 मैकेनिकल ड्रिल है मेरे पास ऑल टोटल, एंड आई थिंक कि मुझे इन सबको रख देना चाहिए किसी न किसी चेस्ट में। एक काम करते हैं, चलते अपने कासल में सारा सामान जो कीमती है मतलब काम का है वो मैं अपने कासल के अंदर रख के आता हूँ। सो मैंने अपने पूरी चेस्ट खाली कर ली, जितना ज़रूरी सामान था जैसे कि ब्रेड वगैरह एंड यहाँ पे एक पिकेक्स, बस ये सामान ज़रूरी और कुछ ज़रूरी नहीं ज़्यादा, और बाकी सारे मैंने नेदर एग वगैरह सब वहीं रखे हुए। तो फटाफट से रात हो जाए, हम चलेंगे फिर वहीं पर। आई थिंक कि मेरा बिस्तर भी ले चलूँ यहाँ से। ओके लेट्स गो, चलते फटाफट से, वहीं सो जाएंगे हम आज की रात। वैसे अभी सिर्फ शाम हुई है या भाई शाम भी होने वाली बाकी है अभी तो। सो हमारा सामान सारा भरना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे लिफ्ट बन जाती है तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, लेकिन मुझे डैमेज इस चीज़ का पड़ा। सो इसमें मुझे लगभग 3 स्टेक लगे एक लेन बनाने में, तो समझ जाओ कि पूरा कवर करने में कितने ज़्यादा ही ब्लॉक्स लगने वाले हैं। तो मेरे पास सिर्फ 4 स्टेक और बचे हैं, तो एक काम करता हूँ मैं सारे भर लेता हूँ अपनी चेस्ट में। इस वाली चेस्ट से भी ले लेते हैं और कम तो पड़ना ही है। सो यप चलते हैं वापस नीचे की तरफ खुदाई करते हुए। तो एक तरफ की पूरी दीवार मैंने कंप्लीट कर दी है हमारे नेदर रैक से, और दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है भाई काफ़ी बढ़िया दिख रहा है ये। लेकिन तो अब हमें जाना पड़ेगा नेदर में बहुत सारे नेदर रैक इकट्ठा करने। सो लेट्स गो चलते हैं इंडिया, सारा सामान पहले ले लेता हूँ। वैसे यहाँ पे खुदाई कर रहा हूँ अपनी ड्रिल मशीन के सहारे। कहाँ गई हमारी ड्रिल? ओके ये रही। इसमें फ्यूल तो बराबर है बट वाटर नहीं है। तो ये पूरा बनाते बनाते मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन मेरा पीसी हैंग हो गया और भाई वो पूरी वीडियो का सत्यानाश हो गया। उसमें बस एक ही स्क्रीन बनी हुई आ रही थी, फिर मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया। वैसे मैंने बना दिया है पूरा कंप्लीट एंड या देखने में कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपको अगली चीज़ क्या चाहिए, और या सब्सक्राइब भी कर ही देना। एंड मिलते हैं हम एक और सी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।